सुबह आप सभी को नमस्कार। दिस इज नोटबुक बडी, एक नए वीडियो के साथ अपन फिर से हाजिर है। तो यार जेसीसी काउंसलिंग 2021 के जो रिजल्ट्स है वो आ चुके हैं। जेसीसी के वेबसाइट में जो डाउनलोड कॉलम है वहां पे जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, जहां पे हर स्टूडेंट के नेम के अगेंस्ट उसे किस कॉलेज में क्या ब्रांच अलॉट किया गया है वो गिवन है। तो अभी तक आपने अगर अपना रिजल्ट नहीं देखा है, आप लोग जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हो। अब यार बहुत लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आगे का प्रोसेस क्या है, यानी कि रिजल्ट आने के बाद हमें क्या करना है, जो रिमेनिंग एडमिशन का प्रोसेस है वो कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा, कहाँ पे कैसे क्या करना है। तो इसके लिए ध्यान से सुनना, आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है राउंड वन में, चाहे वो BIT सिंदरी हो, रामगढ़ हो, यूसेट हो, आप अपने रेस्पेक्टिव कॉलेज के वेबसाइट को विजिट करें। आप जैसे ही वेबसाइट को खोलोगे आपको दिखेगा कि कॉलेज वालों ने ऑलरेडी कोई नोटिस या PDF अपलोड कर रखा है, जहाँ पे आगे का जो प्रोसेस है, जो भी एडमिशन का प्रोसेस है, वो पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है। आपको कहाँ फी पे करना है, कहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, आपका जो रिपोर्टिंग होगा, जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, सो एवरीथिंग विल बी गिवन इन दैट पर्टिकुलर PDF और नोटिस। तो उसके लिए आपको कॉलेज के वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे आपको ये नोटिस या PDF मिल जाएगा। अब आज के इस वीडियो में हम BIT सिंदरी के एडमिशन प्रोसेस पे बात करेंगे। BIT सिंदरी ने भी कुछ नोटिस अपलोड करा है, जहाँ पे गिवन है इन डिटेल्स कि आपको स्टेप वाइज क्या करना है। सो आज के इस वीडियो में हम इस PDF को देखेंगे एंड हम समझेंगे कि BIT सिंदरी में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। अगर एडमिशन प्रोसेस का जो सबसे पहला स्टेप है वो है फी पेमेंट। तो सबसे पहले आपको अपने कॉलेज का फी पे करना है। अभी आपको अपने स्क्रीन पे BIT सिंदरी का जो फी स्ट्रक्चर है वो दिख रहा है। BIT सिंदरी में आपको दो अलग अलग तरह के फी पे करने होते हैं। वन इज योर एनुअल फी, जिसे आप सेमेस्टर फी भी कह सकते हो, एंड द अदर वन इज द स्टूडेंट फंड फी। अभी जो स्टूडेंट फंड फी है, इट इज सेम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज, बट जो आपका एनुअल फी है वो वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी। तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से एनुअल फी पे कर दे एंड योर स्टूडेंट फंड फी। अब आपको ये पेमेंट कहाँ से करना है, तो आपको थर्ड कॉलम में दिख रहा है एक लिंक गिवन है, आपको इस लिंक के थ्रू ही पेमेंट करना है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है कि आपको कैसे पेमेंट करना है एंड कहाँ पे स्टेप वाइज अगर आपको जानना है, तो कॉलेज वालों ने एक फ्लो चार्ट दे रखा है, तो आप इस फ्लो चार्ट को फॉलो करके पेमेंट कर सकते हो, जो कि आपको अभी अपने स्क्रीन पर दिख रहा है। अब यार पेमेंट करने के बाद जो स्टेप टू है उस पर हम आते हैं। तो अभी आपको अपने स्क्रीन पे जो पॉइंट नंबर वन दिख रहा है, इस पॉइंट नंबर वन पे गूगल डॉक का लिंक दिया गया है। आप इस गूगल डॉक को खोल ले थ्रू दिस पर्टिकुलर लिंक, एंड जैसे ही आप डॉक को खोलते हो आपको दिखेगा कि एक लिस्ट गिवन है विद द नेम्स ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स जिन्हें BIT सिंदरी अलॉट किया गया है इन राउंड वन। आपको इस लिस्ट में से अपना नाम खोजना है एंड हर स्टूडेंट के लिए एक सेपरेट गूगल फॉर्म का लिंक क्रिएट किया गया है। तो आपको अपने नाम के अगेंस्ट जो गूगल फॉर्म का लिंक है, उस लिंक के थ्रू गूगल फॉर्म को खोल लेना है। जैसे आप गूगल फॉर्म खोलते हो आपको दिखेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे उस गूगल फॉर्म में, आपको वन बाय वन सारे क्वेश्चंस का आंसर करने हैं। सारे क्वेश्चंस आंसर नहीं करने, आपको क्वेश्चन नंबर 18 से 46 तक आंसर करना है एंड यू हैव टू लीव द फर्स्ट 17 क्वेश्चंस। तो इसका आप ध्यान रखें। आपको दिख रहा है अभी नोटिस में ये मेंशन किया गया है कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 से 17 तक छोड़ देना है एंड आपको 18 से 46 तक आंसर करना है। अब जब आप ये फॉर्म भरोगे तो आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो आपको कौन से सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, ये आपको भी अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। करीब 12 सर्टिफिकेट्स है, तो मेक श्योर कि आपके पास ये सारे फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 में कि आपको पेमेंट एंड गूगल फॉर्म भरने के बाद क्या करना है। तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप बनता है वो है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अभी तक BIT सिंदरी में ऑफलाइन रिपोर्टिंग शुरू नहीं हुआ है, अनलाइक अदर कॉलेजेस, यूसेट एंड रामगढ़ में आपको ऑफलाइन जाके रिपोर्ट करना होता है, बट BIT सिंदरी में अभी तक ऑनलाइन चल रहा है। सो ऑनलाइन आपको रिपोर्टिंग करना है। कहाँ पे आप ऑनलाइन रिपोर्ट करोगे, तो अभी आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा है कि कॉलेज वालों ने हर ब्रांच के लिए एक सेपरेट टाइम एंड डेट स्लॉट दे दिया है पहले से, एंड हर ब्रांच के लिए एक सेपरेट गूगल मीट का लिंक क्रिएट किया गया है। अब आपको इस गूगल मीट के लिंक के थ्रू मीटिंग ज्वाइन करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम एंड डेट स्लॉट, एंड जो भी आपका ब्रांच है उसके हिसाब से आप इस मीटिंग को ज्वाइन करें, एंड इस मीटिंग के दौरान ही आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स एंड जो बाकी के सवाल जवाब है वो किए जाएंगे, एंड जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो इसी मीटिंग के दौरान कंप्लीट किया जाएगा, एंड जो भी आपका रिमेनिंग एडमिशन का प्रोसेस है वो इसी मीटिंग में कंप्लीट होगा।
सो मेक श्योर कि जो भी आपको ब्रांच अलॉट हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप मीटिंग को ज्वाइन करें, आप किसी और ब्रांच के मीटिंग को ना ज्वाइन कर ले। आप जो भी आपके ब्रांच के अगेंस्ट जो लिंक दिया गया है उसी लिंक के थ्रू आप मीटिंग को ज्वाइन करें। सो दिस वॉज योर स्टेप 3 कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है ऑनलाइन मोड में। सो फर्स्ट स्टेप इज योर पेमेंट, नेक्स्ट इज फिलिंग द गूगल फॉर्म एंड सबमिटिंग द फॉर्म, एंड नंबर 3 इज ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थ्रू द गिवन गूगल मीट लिंक्स। अब यार इस ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस के दौरान आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स शो करने होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होंगे ड्यूरिंग द मीटिंग। एंड इन डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट जो है अभी आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। एंड जब भी आप फिजिकली रिपोर्ट करोगे फॉर द फर्स्ट टाइम एट द इंस्टीट्यूट, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे, एंड उन डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट भी अभी आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा है। सो मेक श्योर कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है बिफोर हैंड, ताकि जब आपको सबमिट करना हो या जब आपको शो करना हो आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द रिमेनिंग काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस। अब यार एक चीज को लेके बहुत कंफ्यूजन है अमंग स्टूडेंट्स। मैंने अपने पहले के वीडियोज में ये कह रखा है कि जिस मोमेंट पे आप सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे उसी वक्त आपसे पूछा जाएगा कि आपको फर्दर राउंड से पार्टिसिपेट करना है कि नहीं, यानी कि आपको ब्रांच एंड कॉलेज अपग्रेड करवाना है कि नहीं। बट इस साल ये ऑप्शन नहीं था विद द सीट अलॉटमेंट लेटर अनलाइक द प्रीवियस ईयर्स, क्योंकि जिस साल मैंने एडमिशन लिया था उस साल भी सिस्टम यही था कि जिस मोमेंट पे आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे उसी वक्त आपसे पूछा जाएगा, बट इस साल नहीं था। सो बहुत लोग पूछ रहे कंफ्यूजन में कि राउंड 2 का क्या सीन है, एंड हमने पहले भी देखा था कि राउंड 2 के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया था इन द नोटिस, सिर्फ राउंड 1 के बारे में मेंशन था। सो इससे दो पॉसिबिलिटीज यहाँ से अराइज होते हैं। फर्स्ट वन इज कि आपका जो राउंड 2 है, राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग, वो कंडक्ट नहीं होगा इस साल, सिर्फ एक ही राउंड होगा। एंड जो सेकेंड पॉसिबिलिटी है वो ये है कि राउंड 2 कंडक्ट होगा बट उसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन होंगे। सो लेट्स सी क्या होता है अगर राउंड 2 नहीं होता है, इट विल बी रियली टफ ऑन यू गाइस। बट अगर राउंड 2 होता है सो होपफुली फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाए जाएंगे। सो जिन स्टूडेंट्स का राउंड 1 में छूट गया था वो लोग फिर से रजिस्टर कर पाएंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बट हो सकता है कि ऐसा हो। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, एंड जिन स्टूडेंट्स का छूट गया था आप लोग ध्यान रखिए राउंड 2 का जब भी आता है नोटिस। मैं तो वीडियो बना दूंगा बट आप लोग भी चेक करते रहिए। सो लेट्स सी क्या होता है राउंड 2 में, बट अभी के लिए राउंड 1 का जो भी प्रोसेस है रिमेनिंग उसे आप कर ले। जिन स्टूडेंट्स को अलॉट हुआ है कॉलेज वो लोग जाके जल्दी से एडमिशन एंड जो भी बाकी का प्रोसेस है काउंसलिंग का वो करवा ले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आगे जो भी नोटिस एंड जो भी इन्फॉर्मेशन आता है आई विल मेक अ वीडियो ऑन ऑन दैट, बट अभी के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड एंड मचाते रहो। बाय।